मैं सरस्वती, ज्ञान की देवी, मैं लक्ष्मी नहीं। तुम मनुष्यों ने मुझ में और लक्ष्मी में कोई फर्क नहीं रखा है। ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान ही है। यह अलग बात है कि ज्ञान प्राप्ति के हेतु और ज्ञान प्राप्ति के बाद लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी है। मेरी तुम लोगों से यही प्रार्थना है कि लक्ष्मी प्राप्ति के हेतु तुम मेरे मंदिर का दिया न जलाओ। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। मार्च का महीना आते ही गर्मी का पारा बढ़ने लगता है। सिर्फ बाहर नहीं, जो हजारों बच्चे जो इस देश में बोर्ड की एग्जाम्स में बैठने जाते हैं उन सबके दिमाग में, और हर साल इस महीने में जो भी सेशन लेता हूं लोग आते हैं और पूछना चाहते हैं दो चीजों के बारे में, एक सक्सेस और दूसरा स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करें ताकि हम सक्सेस को हासिल कर सकें, हर कोई ये जानना चाहिए। तो आज इसी के बारे में बात करें, क्या है ये स्ट्रेस। हर साल इस देश में हजारों बच्चे आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं इस टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। पर सुसाइड के पहले और बाद की स्टोरी कोई नहीं। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, टूट गए सपने मेरे और साथी भी आज छूटे, अब जीने की आस नहीं जब किस्मत अपनी रूठे। टूट गए सपने मेरे और साथी भी आज छूटे, अब जीने की आस नहीं जब किस्मत अपनी रूठे। मंजिल अपनी मौत है तो फिर आज उसे मैं पाऊंगा। मंजिल अपनी मौत है तो फिर आज उसे मैं पाऊंगा। अभी तो थोड़ी देर है। इन मनुष्यों ने एक अच्छा यंत्र का आविष्कार किया है, चलो उसी पर थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। अरे ये किसका नोटिफिकेशन आ रहा है? आज तो यहाँ इस लोकेशन पे किसी की मौत नहीं है, फिर ये बार बार क्यों नोटिफिकेशन आ रहा है? कौन है भाई यहाँ आज? अरे ये बच्चा कौन है? आप कौन हो? मैं यमराज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक मेरे को प्राणों लेने दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मरने आया हूँ। क्यों मरना चाहते हो? मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, मैं 12th में फेल होने वाला हूँ, और अगर फेल हो गया तो कैसे जी पाऊंगा? मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा, मैं परिवार के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, उनका कैसे सामना कर पाऊंगा? मैं मरना चाहता हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मरना चाहता हूँ। अच्छा ये बात है,
इसका एक और पहलू है, क्या आप देखना चाहोगे? हाँ दिखाइए। आओ इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं यमराज, मेरे पास मेरी अपनी दैवीय शक्ति है, इससे मैं आपको आपका भविष्य दिखा सकता हूँ। चाहोगे? हाँ दिखाइए। भैया आज एक साल हो गए आपको गए, रोज याद करती हूँ आपको, कोसती हूँ आपको रोज। मैं तो आपकी बहन थी, मुझसे तो ये बात कर ली होती। स्कूल में मेरी सारी दोस्त एक साल से कोशिश करती आ रही है, पर मैं गुमसुम सी हो गई हूँ। मम्मी पापा भी गुमसुम ही रहते हैं। अब मैं क्या करूँ, किससे सब कुछ शेयर करूँ? भैया आपने क्यों किया ऐसा, जिस तरह बचपन से आपको हर बात पे बचाती आई, इस बार भी बचा लेती। क्यों किया आपने ऐसा भैया, क्यों किया? आपका चेहरा हमेशा मेरे सामने रहता है। मुझे याद है बेटा, मैं तेरे पापा से अक्सर कहा करती थी, हमारा बेटा बहुत होशियार है। सच में तू बहुत होशियार निकला बेटा, तूने अपनी माँ से अपना तो कहना ठीक नहीं समझा, अपनी माँ को भनक तक नहीं लगने दी तो कितना परेशान है। अपनी माँ से भी कोई ऐसी होशियारी करता है क्या? मुझे तेरे बहुत याद आती है बेटा, बहुत याद आती है। मैं अकेली हो गई हूँ एकदम, तूने मुझे बोला होता तो आज ये दिन नहीं आता। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ मांगा क्या? तेरे मार्क्स को लेकर तुझसे कभी कुछ कहा? पर यह तूने क्या किया बेटा? ऐसा क्या हुआ कि तू खुद की मदद नहीं कर पाया? पता है, आज मिश्रा जी मिले थे बाजार में, उन्होंने बताया कि तू और उनका बेटा 4 साल पहले एक क्लास में फेल हो गए थे। आज उनका बेटा अपना खुद का डांस स्टूडियो चला रहा है। यह सुनकर हम दोनों पहले तो बड़े खुश हुए और फिर अचानक चार साल से तेरी बहुत याद आती है बेटा, जीने का मजा नहीं आता दोस्त, जीने का मजा नहीं आता। लाओ देख लिया बहुत भविष्य, मरना है ना? नहीं चलो, मरने आए थे ना? नहीं चलो नहीं। चलो चलो कूदो मरो नहीं, नहीं, अरे अरे कूदो यार कूदो, चलो जल्दी कूदो। नहीं क्यों नहीं। अब क्या हुआ? मुझे अभी नहीं मरना है, अभी मेरी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरे जैसे लोगों की मदद कर सकूं, और समय की जिस सुई पर वे रुके हुए हैं वहां से उनको आगे बढ़ा सकूं, उनका समय बदल सकूं, उनके विचार बदल सकूं, उनकी जिंदगी का नजरिया बदल सकूं।
मुझे आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब हम 67 साल बाद मिलेंगे। ये कहानी हर साल हजारों लोग सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं, पर शायद ही कोई जानता है कि इस कहानी का लड़का और कोई नहीं, मैं हूँ। जाग मुसाफिर जाके तेरी राह अभी आसान नहीं, हिम्मत तेरे साथ है तो फिर मंजिल पाना दूर नहीं। जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग, जीवन खेल है धूप छाव का, कभी खुशी कभी गम, अपने दम पर कदम बढ़ाना मुश्किल होगी गुम। अपनों और सपनों को लेके मंजिल अपनी पाए जा, जाग मुसाफिर मुसाफिर जा।